बिहार की एक रिपोर्ट जिसका इंतजार पूरे देश को था वो सामने आ गई है। इस रिपोर्ट ने न सिर्फ बिहार की जाति आधारित जनगणना की है बल्कि बिहार की पूरी सियासी समझ को ही ऐसा उलट पलट दिया है कि जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ना अब तय हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं 13,07,25,310 लोगों की आबादी वाले बिहार में सवर्णों की कुल आबादी महज 15.52% ही है। जिस ओबीसी की गिनती की बात पिछले कई दशकों से की जा रही थी उनकी बिहार में कुल आबादी 63% है, जिनमें 27% पिछड़ा वर्ग और 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी है। वहीं एससी की आबादी 19% और एसटी की आबादी 1.68%। अब ये तो रहा बंटवारा जातियों के समुदाय का, लेकिन इस जाति आधारित जनगणना ने न सिर्फ जातियों के समुदाय की गिनती की है बल्कि जातिवार गिनती की है और इसके आंकड़े बेहद दिलचस्प है। अभी बिहार में जो ब्राह्मण बनाम ठाकुर का विवाद चल रहा है और जिसमें आरजेडी के ही दो नेता आपस में भिड़े हैं, उनमें ब्राह्मणों की आबादी महज 3.66% है जबकि ठाकुर या कहिए कि राजपूत की आबादी 3.45% है। जाति के आधार पर बिहार की जो सबसे बड़ी संख्या है वो संख्या यादवों की है जिनकी आबादी करीब 14% है। बिहार में भूमिहार आबादी 2.86% है जो कुर्मी आबादी के लगभग बराबर है क्योंकि बिहार में कुर्मी की आबादी 2.87% निकलकर सामने आई है। वहीं बात अगर धार्मिक आधार पर करें तो बिहार में हिंदुओं की कुल आबादी 81.99% है जबकि मुस्लिमों की आबादी 17.70%। अब ये तो बात रही आंकड़ों की कि बिहार की जाति आधारित जनगणना के आंकड़े क्या है, अब इनका असर राजनीति पर क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बिहार के आंकड़े साफ तौर पर इस बात को बयां कर रहे हैं कि सबसे बड़ी आबादी को ओबीसी की ही है जिनकी संख्या करीब 63% है और यही ओबीसी हैं जो किसी भी चुनाव का रुख मोड़ने के लिए पर्याप्त, बात चाहे बिहार की हो या फिर उत्तर प्रदेश की या फिर देश के किसी भी और राज्य की। बीजेपी के विरोध में जो भी दल खड़े हैं उनकी राजनीति के केंद्र में यही ओबीसी हैं जिन पर कांग्रेस भी दांव लगा रही है, आरजेडी, जेडीयू भी और समाजवादी पार्टी भी। अब अगर बिहार की जाति आधारित जनगणना को ही पैमाना माने तो ये साफ है कि पूरे देश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की ही है जिनकी संख्या 60% से भी अधिक है और इस आंकड़े के जारी होने से पहले ही राम मनोहर लोहिया का एक नारा 60 के दशक में ही मकबूल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, यानी कि पिछड़ों के लिए 60% का नारा तो 60 के ही दशक का है जो लोहिया ने दिया था। और बीजेपी के विरोध में जितने भी बड़े दल हैं और खासतौर से जो खुद को समाजवादी कहते हैं वो सभी के सभी खुद को राम मनोहर लोहिया का ही अनुयायी कहते हैं। इस लिहाज से अब बीजेपी के विरोध में उतरी पार्टियों की पूरी राजनीति के केंद्र में यही 60% ओबीसी ही रहेंगे। अब बात सिर्फ गिनती की नहीं रह गई है, अब बात आगे बढ़ेगी तो उस नारे पर पहुँचेगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इसके लिए पूरे देश में जनगणना नहीं बल्कि जाति आधारित जनगणना की ही मांग होगी जिसकी बात नीतीश लालू तेजस्वी से लेकर अखिलेश यादव और अब राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल तक करने लगे हैं। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव विकास, रोजगार और महंगाई के आधार पर न होकर जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर हो जाएगा, जिसके पक्ष में इंडिया होगा तो विपक्ष में एनडीए। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।